पापा पापा मैं भी झाड़ू लगाऊंगा। अबे कितनी देर और लगाएगा, जल्दी कर वरना तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। अरे साहब नौकरी से मत निकलवाइएगा, कर रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी कर इसको। आएगा चिप्स, चल ले ले। हेलो ए, चल दूर हट। किसने कहा मेरे बेटे के पास आने के लिए? तू और तेरा बेटा कूड़ा उठाने वाले हो, पूरी जिंदगी वही रहोगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के पास आने की और उसका चिप्स खाने की? याद रख, राजा का बेटा ही राजा बनता है और कूड़े वाले का बेटा कूड़े वाला। अरे माफ कर दीजिए ना साहब, बच्चा है उसका दिमाग अमीर गरीब नहीं समझता ना। हाँ तो उसको समझा कर आखिर। ठीक है सर। और सुन, तू तुम्हारी जगह सड़क पर है कूड़े के बीच? जी साहब। समझ गया, चलो दो निकल जाओ यहाँ से और ये कूड़ा ले जाओ अपने साथ। मिस्टर रूप सिंह, आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया है। रूप सिंह जी क्या पूछ रहे हैं अंदर, बताओ रूप सिंह जी कुछ तो बताओ। मिस्टर अशोक, आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया, जल्दी जाइए अंदर। मैं करता हूँ, बैठिए। थैंक यू। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको पता है कि ये जॉब एक ऑफिस स्वीपर की है? जी हाँ सर पता है। तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको ये जॉब चाहिए? इस वक्त ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ मेरे बेटे ने जुए में उड़ा दिया, मेरा घर मेरी गाड़ी सब बिक गई। वक्त भी कमाल की चीज है, एक न एक दिन बदलता जरूर है। आपको याद है आपकी सोसाइटी में एक बाप बेटा झाड़ू लगाते थे और आप उनकी रोज बेइज्जती किया करते थे? हाँ बेटा याद आया, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि मैं वही झाड़ू वाला हूँ। क्या कहा? एक बात याद रखना अंकल, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि राजा वो बनता है जो दिन रात मेहनत करता है और डर से लड़ता है। हमेशा हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कल वक्त किसको क्या रंग दिखाए। हो सकता है राजा रंक बन जाए या फिर रंक राजा बन जाए। तो बेटा तुम तो झाड़ू लगाते थे, यहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरे पापा ने दिन रात मेहनत करके मुझे खूब पढ़ाया और मुझे खूब मेहनत करना सिखाया और हर मुश्किल से लड़कर मैं यहाँ तक पहुँच गया। सही कह रहे हो बेटा, वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। बहुत खुशी हुई तुम्हें इस मुकाम को देख, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें हमेशा तुम्हारे उस झाड़ू वाले काम को लेकर जज किया। जिस झाड़ू वाले काम को मैं नीचा दिखाता था, आज उसी काम के लिए मैं नौकरी मांगने आया हूँ। आगे से किसी को भी उसके काम को लेकर जज मत कीजिएगा, और काम छोटा नहीं होता, छोटी सिर्फ इंसान की सोच होती है। मैं चलता हूँ, अब मुझे तुम तो काम पर रखोगे नहीं। रुकिए बैठिए, हम इंसान को जॉब उसकी जरूरत के हिसाब से देते हैं। आपको जॉब की सच में बहुत जरूरत है तो ये जॉब आपको ही मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप प्लीज हाथ मत जोड़िए, आप कल से काम पे आ सकते हैं। थैंक यू सर।